डीसी एंटरटेनमेंट यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसकी पॉपुलैरिटी एमसीयू से कम तो है, लेकिन इसकी एक अलग और बहुत बड़ी फैन बेस है। जस्टिस लीग का जैक स्नाइडर्स कट रिलीज होने के बाद फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, और ब्लैक एडम में जब हेनरी कैविल का सुपरमैन को दिखाया गया तो सभी यही सोच रहे थे कि अब डीसी कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। लेकिन अचानक डीसी स्टूडियोज ने न्यू सीईओ को अपॉइंट करते हैं जो जेम्स गन और पीटर सफरान हैं, और वो शायद स्नाइडर के बनाए हुए यूनिवर्स को ख़त्म करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ख़राब न्यूज़ है। इसका मतलब गैल गैडोट की वंडर वुमन 3 और कैविल की मैन ऑफ स्टील 2 के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम में सुपरमैन का कैमियो और कैविल का ऐसा अनाउंस करना कि वो लौट रहे हैं डीसीयू में फैंस को सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन अब सुपरमैन का फ्यूचर खतरे में है। स्टिल कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल आने वाली मूवी द फ्लैश में जस्टिस लीग के सारे हीरोज का फाइनल अपीयरेंस होने वाला है, जिसके बाद शायद सब नए एक्टर्स दिखेंगे डीसी मूवीज के लीड रोल पे। अब ये मेरे लिए तो एक सैड न्यूज है। अब इसको लेके आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।